लैंड रोवर ने 2022 रेंज रोवर दुनिया के सामने पेश कर दी है, जो इस एसयूवी की पांचवी पीढ़ी है। बिल्कुल नई एसयूवी के डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया गया है, और जहां दिखने में नई रेंज रोवर बिना तामझाम वाली है, वहीं इसे तकनीकी रूप से बहुत आधुनिक बनाया गया है। नई रेंज रोवर कंपनी के MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे स्टैंडर्ड और लंबे व्हील बेस के साथ पेश किया गया है। यह पहली बार है जब कंपनी ने इस एसयूवी को 7 सीटर व्हीकल में भी पेश किया है, जिसका श्रेय 200 मिलीमीटर लंबे व्हील बेस को जाता है। लैंड रोवर ने नई पांचवी जनरेशन रेंज रोवर के कैबिन में स्पीकर्स की बेहतरीन व्यवस्था के अलावा इंटीरियर की क्वालिटी भी अच्छी बनाई है। 2022 रेंज रोवर ऑल व्हील स्टीयरिंग, 360 डिग्री कैमरा के साथ नाइट शिफ्ट मोड और अपडेटेड टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम के साथ आई है। कार 2 प्लगइन हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ भी आई है, जो पेट्रोल और डीजल विकल्पों में मौजूद हैं। पूरी तरह इलेक्ट्रिक रेंज रोवर 2024 तक पेश की जाएगी। नई जनरेशन की रेंज रोवर अगले साल भारत में लॉन्च होगी। स्कोडा स्लाविया कंपनी की ओर से भारतीय बाजार में अगली नई कॉम्पैक्ट सेडान होगी, जिसे अगले महीने हमारे देश से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने कार की कई सारी जानकारी साझा की है। नई सेडान स्कोडा इंडिया के घरेलू रूप से तैयार MQB AON प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर स्कोडा कुशक कॉम्पैक्ट SUV भी बनाई गई है। इसके इंजन विकल्प भी कुशक से ही लिए गए हैं। स्लाविया के साथ 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 113 BHP और 175 NM पीक टॉर्क बनाता है। ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आया है। वहीं 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 148 BHP के साथ 250 NM पीक टॉर्क बनाता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल के अलावा 7 फीट DSG गियरबॉक्स भी दिया गया है। स्कोडा स्लाविया के सबसे महंगे मॉडल को 6 एयरबैग मिलेंगे, और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का भी यहाँ खासा ध्यान रखा गया है। हमने नई स्लाविया को चलाकर देखा है, और इसका वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले बीती तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 65% घटकर 475 करोड़ रुपए हो गया है। 30 सितंबर 2021 को खत्म हुई पिछली तिमाही में मारुति सुजुकी बिक्री 19,297 करोड़ की रही, जो वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 9% ज्यादा है। इस साल की पहली छिमाही के शुद्ध मुनाफे को देखें तो कंपनी का शुद्ध लाभ 916 करोड़ रुपए हुआ है, जो वित्तीय साल 2021 की तुलना में 18% कम है। जुलाई और सितंबर 2021 के बीच कंपनी की कुल बिक्री 3,79,541 वाहनों की रही, जो साल दर साल 3.4% की मामूली गिरावट दिखाता है। कंपनी इलेक्ट्रिक पुर्जों की सप्लाई में कमी के चलते अनुमानित 1,16,600 वाहनों का उत्पादन नहीं कर पाई है। हालांकि कंपनी के इतिहास में 59,408 यूनिट के साथ अब तक का सबसे ऊंचा निर्यात आंकड़ा पिछली तिमाही में ही छुआ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।